दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज चीनी रक्षा मंत्री ली शेंगफू से मुलाकात करेंगे। एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों की शुक्रवार को बैठक होगी। 2020 में गलवान झड़प के बाद पहली बार भारत चीन के बीच मंत्री स्तरीय बैठक होगी। शाम 6 बजे होने वाली बैठक में द्विपक्षीय संबंधों सहित सीमा विवाद पर भी चर्चा के आसार। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ईरान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के रक्षा मंत्रियों से भी द्विपक्षीय मीटिंग होगी। कर्नाटक चुनाव में आज पीएम मोदी के एंट्री, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 50 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज से 2 दिवसीय कर्नाटक चुनावी दौरा, उडुपी और मंगलुरु में रोड शो, उचीला में मछुआरा समाज से संवाद, राहुल 2 दिनों में करेंगे 9 जनसभाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज नागपुर दौरा, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का करेंगे उद्घाटन, कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी से सियासी अटकलों का बाजार गर्म। उत्तराखंड के बद्री विशाल धाम के कपाट अब से थोड़ी देर में ही खुलेंगे, रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया धाम, दर्शन के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बुधवार को हुए नक्सली हमले के बाद आज घटनास्थल का दौरा करेंगे सीएम भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। दुखद है और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। दंतेवाड़ा के अरनपुर में आईईडी ब्लास्ट में 10 जवान शहीद, ड्राइवर की भी मौत, नक्सलियों ने अभियान से लौट रहे जवानों को बनाया निशाना, धमाके के लिए 50 किलो विस्फोट का इस्तेमाल किया गया। नक्सली हमले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया, कहा नक्सली हमला एक कायरतापूर्ण हमला है, गृहमंत्री ने राज्य सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर कारगर कार्रवाई के लिए 2008 में हुआ था डीआरजी का गठन, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड में कई पूर्व नक्सली भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सूडान से सुरक्षित निकाले गए 360 भारतीय बुधवार रात दिल्ली पहुंचे, भारतीयों को लेकर विमान रात 9 बजे आईजीए एयरपोर्ट पर उतरा। स्वदेश लौटे भारतीयों ने सेना और पीएम मोदी के पक्ष में नारेबाजी की, एम्बियंस। सूडान से स्वदेश लौटे भारतीयों में बिहार के 98, यूपी के 116, राजस्थान के 36, हरियाणा के 24, पंजाब हिमाचल के 22 लोग सहित कई दूसरे राज्यों के लोग भी शामिल थे। सूडान से लौटे लोगों ने सरकार का धन्यवाद किया, उन्होंने बताया कि वहां हालात बेहद खतरनाक हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया और इस हम सेफ यहां आए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत डेंजरस था, इसमें हम छूट गए, ये मैं गवर्नमेंट की बहुत बहुत शुक्रिया, नरेंद्र मोदी जी की बहुत बहुत शुक्रिया बताना चाहती हूँ। सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी जारी है, बुधवार देर रात वायुसेना के विमान से 136 लोगों का चौथा जत्था सूडान पोर्ट से जेद्दा पहुंचा। भारतीयों को सुरक्षित निकालने में वायुसेना और नौसेना जी जान से जुटी है। आईएनएस तेग ने तेग से 297 भारतीयों का पांचवा जत्था सूडान पोर्ट से जेद्दा के लिए रवाना हुआ। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने जेद्दा में अल्बर्ट अगस्टीन के परिवार से मुलाकात की, केरल के कोच्चि के रहने वाले अगस्टीन की सूडान में हत्या कर दी गई थी। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का आज उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होगा, बुधवार देर शाम पैतृक गांव पहुंचा पार्थिव शरीर। अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष के अंतिम संस्कार में पहुंचेगी कई राजनीतिक हस्तियां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित राजस्थान सीएम गहलोत और एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी पहुंच सकते हैं बादल गांव। प्रकाश सिंह बादल के अंतिम संस्कार में जनसैलाब उमड़ने की संभावना, भटिंडा प्रशासन ने की सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। पीएम मोदी ने बुधवार को चंडीगढ़ में बादल के पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी, नम आंखों से पीएम ने प्रकाश सिंह बादल को दी अंतिम विदाई। मंगलवार को मोहाली के निजी अस्पताल में 95 साल के प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया था, बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कर्नाटक चुनाव प्रचार में 28 अप्रैल से पीएम मोदी की जनसभा रोड शो का दौर शुरू होगा, 7 मई तक चलने वाले अभियान में प्रधानमंत्री की 16 जनसभाएं और रोड शोज होंगे। बुधवार को कर्नाटक के मांडिया में यूपी सीएम योगी ने किया रोड शो, जनसभा को संबोधित करते हुए कहा धर्म के नाम पर आरक्षण स्वीकार नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेलगावी में कहा कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण देकर भारत के संविधान की अवमानना की।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने श्रृंगेरी में की चुनावी सभा। प्रियंका ने कहा कि मोदी सरकार ने सच बोलने की जो सजा राहुल को दी है उसका हिसाब आप लोगों को करना है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी का अलग अंदाज देखने को मिला। प्रियंका मैसूर के एक होटल में डोसा बनाती नजर आई। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का केस। अहमदाबाद कोर्ट में गुजरातियों को ठग कहने को लेकर मुकदमा दर्ज। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने बुधवार को कहा, बीजेपी और संघ के लिए मैं कोरोना वायरस हूं। मध्य प्रदेश के मंत्री तुलसीराम सिलावट के बयान पर दिग्विजय ने किया पलटवार। शिवराज सरकार के मंत्री तुलसीराम ने पिछले दिनों कोरोना वायरस से की थी दिग्विजय की तुलना। कहा था, हे भगवान, दिग्विजय सिंह का अगला जन्म चीन में होना चाहिए। यूपी निकाय चुनाव प्रचार के तहत सीएम योगी का आज मथुरा दौरा। मेयर पद प्रत्याशी विनोद अग्रवाल के लिए प्रचार करेंगे। सभा में सांसद हेमा मालिनी भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, यूपी में जाति देकर हो रहा एनकाउंटर, बीजेपी हर बात का जवाब तमंचे से देती। पश्चिम बंगाल के कालियागंज में नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या मामले पर राष्ट्रीय बाल आयोग अध्यक्ष की तीखी टिप्पणी। कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान बेहद शर्मनाक। बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर के कासियागंज में नाबालिग लड़की की रेप और हत्या को मुख्यमंत्री ममता ने प्रेम प्रसंग का विवाद बताया था। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को ईडी ने गिरफ्तार किया। पशु तस्करी मामले में पूछताछ के बाद अरेस्ट की गई सुकन्या। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या की गिरफ्तारी का बीजेपी ने स्वागत किया। देखिए, होना ही था क्योंकि पहले से ही बार बार उनको बुलाया जा रहा था दिल्ली जाने के लिए और वो कोर्ट में जा रहे थे। बहुत सारे चीज़ों इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे कि उनके अकाउंट में कितना पैसा कहां से आया वगैरह वगैरह। 30 अप्रैल को पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड। 100वें एपिसोड से पहले दिल्ली में राष्ट्रपति सम्मेलन। सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित। राजनीति, फिल्म, खेल सहित तमाम क्षेत्रों की बड़ी हस्तियों में शिरकत। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को कहा तानाशाह। इमरजेंसी के बाद एक तानाशाह के पराजय को सुबह 5 बजे आकाशवाणी के बुलेटिन पर सुना है कि इंदिरा गांधी पराजित हो गई। फिल्म अभिनेता आमिर खान ने कहा, आम लोगों से पीएम मोदी ने विश्वास का रिश्ता कायम किया हो, यकीनन इसमें मन की बात की अहम भूमिका रही। बिहार के सहरसा जेल से पूर्व सांसद आनंद मोहन की आज रिहाई। डीएम कृष्णैया हत्याकांड में आनंद मोहन को ही थी आजीवन कारावास की सजा। बिहार कारावास नियमावली में बदलाव कर आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राज्य प्रभारी अमर ज्योति ने दायर की पीआईएल। दिवंगत डीएम कृष्णैया की पत्नी ने पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग की। कहा, सियासी मतलब के लिए रिहा किए जा रहे हैं आनंद मोहन। आनंद मोहन ने डीएम कृष्णैया के परिवार से जुताई सहानुभूति। कहा, एक हत्या ने दो परिवारों को बर्बाद कर डाला। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रिजभूषण चरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने का 5वां दिन। ओलंपियन पहलवानों ने बुधवार रात को जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकाला। ओलंपियन बजरंग पुनिया ने साफ किया कि जब तक ब्रिजभूषण चरण सिंह पर कार्रवाई नहीं होगी उन लोगों का धरना जारी रहेगा। खाप पंचायत पहलवानों के समर्थन में खुलकर आ गई है। खाप पंचायतों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, ब्रिजभूषण पर करो कार्रवाई नहीं तो होगी आर-पार की लड़ाई। पहलवानों के साथ चल रहे विवाद पर भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रिजभूषण चरण सिंह ने दिया जवाब। कहा, संघर्ष की क्षमता नहीं रहेगी, उस दिन खुद को मौत के करीब देखूंगा। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला कोच पर हमला हुआ। जम्मू कश्मीर के सोपोर में जैश ए मोहम्मद के आतंकी फारूक अहमद वानी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आतंकी बाहरी लोगों पर हुए हमले सहित वारदातों में शामिल था। असम के सोलेपुर में एक महिला ने की अपनी बच्ची की हत्या। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के रियासी में गर्भवती महिला को ला रही एम्बुलेंस नाले में फंसी।
बुढ़न से धरमारी आ रही एम्बुलेंस को काफी मशक्कत के बाद निकाला गया।